चैनल गजब ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल जी। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और यहाँ पे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल अभी दोपहर का 2:30 बज रहा है और आज का व्लॉग मेरा 2:30 बजे से स्टार्ट हो चुका है। तो फिलहाल दोस्तों, अभी हमारा दोपहर का खाना हो चुका है। सुमित उठ के फ्रेश हो गए थे, नहा धोकर रेडी होकर सुमित और सुमित की मौसी का बेटा आया हुआ था शशांक, तो हम सब लोगों ने मिल के एक साथ खाना खाया। तो सुमित अभी जो है शशांक के साथ थोड़ा बाहर मार्केट गए हुए हैं काम से, शायद शशांक को कुछ काम है तो सुमित उसके साथ गए हुए हैं। तो जब तक सुमित मार्केट गए तो मैंने घर के अपने खाने के जो बर्तन वगैरह निकले मैंने वो साफ़ कर लिए। और आज यहाँ का मौसम जो है ना बहुत ठंडा है, बहुत हवा चल रही है, बीच बीच में बारिश भी आ रही है। तो फिलहाल ये देखिए मौसम, 2:30 बजे देखिए मौसम ऐसा लग रहा है जैसे कि शाम के 5 बज रहे हैं। तो फिलहाल ये आज का मौसम है, बीच बीच में बारिश आ जा रही है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो हवा तेज़ चल रही थी तो अंदर काफ़ी डस्ट वगैरह आ रही थी। तो फिर मैंने बर्तन धुलने के बाद फिर से मैंने झाड़ू वगैरह लगाया और झाड़ू लगा के फिर से एक बार मैंने दोबारा से पोछा धोराया। तो पोछा वगैरह अभी मेरा कम्प्लीट हो गया है। और हाँ, मैं आपको ये बातें बताई जा रही हूँ मैंने क्या किया क्या किया, लेकिन मैं ये आज का ब्लॉग किस लिए बना रही हूँ वो तो रीज़न आपको बता ही नहीं रही हूँ। तो आप सभी लोगों को तो पता ही है कि आज से 2 दिन के बाद करवा चौथ है, तो आप सब लोगों की करवा चौथ की तैयारी तो फिलहाल स्टार्ट हो गई होगी। और हमारे यहाँ भी हमारी जो देवरानी है, जिठानी है, भाभी है, ननद है, सबकी तैयारियाँ यूपी में बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई हैं। तो मैं आपको यूपी का हाल बताऊँ तो यूपी में करवा चौथ हो या करवा चौथ हो गया या और कोई भी त्यौहार हो गया, तो जो भी त्यौहार आने वाला होता है ना, तो एक हफ्ते पहले से मार्केट इतनी ज़्यादा भर जाती है, मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि एक हफ्ते पहले से ही पता चलने लगता है कि कौन सा त्यौहार है, कौन सा त्यौहार आ रहा है। तो फिलहाल अभी ऊपर से जहाज क्रॉस कर रहा है तो आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही है, तो 2 मिनट रुक जाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे आज से 2 दिन के बाद, तो फिलहाल अभी करवा चौथ की तैयारियाँ तो यहाँ पे मेरी भी स्टार्ट हो गई, लेकिन मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। सारी तैयारियाँ मुझे अकेले करनी है, मार्केटिंग भी मुझे अकेले करनी है। तो यहाँ महाराष्ट्र में करवा चौथ नहीं होता है, जो हमारे यूपी साइड के और बिहार साइड के लोग हैं वही लोग करते हैं, बाकी सभी लोग नहीं करते। हाँ, कुछ लोग महाराष्ट्र के हैं, जो कुछ लोग महाराष्ट्र के भी करवा चौथ करते हैं। तो फिलहाल आज मैं और सुमित जाने वाले हैं मार्केट, तो आज मैं मार्केट जाऊँगी और करवा चौथ का जो सामान है वो खरीद के लेकर आऊँगी। देखूँगी जाके, ढूँढूँगी जाके कि सामान कहाँ मिल रहा है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सामान मिलता है यहाँ पे। सारा सामान जो हमें पूजा के लिए चाहिए होता है करवा चौथ में, वो सारा सामान यहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है, ढूँढना पड़ता है एक एक करके, वो भी अपना मन पसंद नहीं मिलता। जैसे अपने साइड में एक करवा भी जो होते हैं इतने सुंदर सुंदर आते हैं, इतने प्यारे प्यारे आते हैं कि मतलब हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कौन सा लें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल प्लेन करवा आता है। आपको दिखाती हूँ मैं पिछले साल का करवा, अपना पिछले साल का नहीं, सॉरी, उसके 2 साल पहले का, ये देखिए मेरा करवा। तो यहाँ पे इस तरह के करवा आते हैं, आप इनको घर में चाहे पेंट कर लो, सजा लो, सब कुछ कर लो, बाकी इससे ज़्यादा सजा धजा नहीं आता। तो ये मेरा 2 साल पुराना करवा है। तो फिलहाल मैं अपने जो करवा होते हैं ना उनमें 1 साल बाद में ऐसे ही मैं बढ़िया फूल वाले पेड़ लगा देती हूँ, बढ़िया से लग जाता है देखिए, और इन्हीं को मैं फूल माला पहना के बढ़िया से अच्छे से सजा लेती हूँ। तो फिलहाल ऐसा ही करवा यहाँ पे मिलेगा, तो मैं ऐसा ही लेके आऊँगी और उसको जैसा मुझे चाहिए उसको सजा धजा के बिल्कुल रेडी कर लूँगी। तो फिलहाल अभी हम लोग मार्केट निकलने वाले हैं, सुमित जैसे आ जाएंगे वैसे ही हम लोग मार्केट के लिए निकलेंगे। तो अभी तो सुमित निकले हैं, सुमित को करीब हुआ है 15-20 मिनट हुआ है गए हुए, तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने कुछ काम पेंडिंग है तो वो निपटा लेती हूँ। तो फिलहाल आज मॉर्निंग में मैंने सारे काम जल्दी निपटा लिए थे, फ्री हो गई थी। बट हाँ, कपड़े हैं कुछ जो सुमित के ऑफिस के हैं, मेरे हैं, वो कपड़े मैंने नहीं धुले थे क्योंकि कल से ही यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कल जो मैंने कपड़े धुले थे, बारिश आ गई तो कपड़े सारे भीग गए और सूखे नहीं, तो फिर मैंने मॉर्निंग में कपड़े धुले नहीं कि जो कल के कपड़े नहीं सूखे हैं तो इनको धुलने का क्या फ़ायदा, क्योंकि कपड़े धुल के रख दो और उनका तुरंत का तुरंत आप अगर नहीं फैलाओ, उनमें धूप और हवा नहीं लगती ना तो उनमें अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो फिलहाल जो भी मेरे कल के कपड़े थे ना, अभी हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी, तेज़ चल रही थी, तो सारे सूख गए। तो मेरी बालकनी खाली हो गई, देखिए मेरी बालकनी में ज़्यादा तो बालकनी है तो बड़ी, बस कपड़े फैलाने का इतना स्पेस है, मैंने इसमें 2 रस्सियाँ फोल्ड करके बांध रखी हैं, बस इतने में कपड़े फैलाने की जगह है। और धूप इधर से आती नहीं है, धूप हमारे बेडरूम में आती है, बालकनी साइड धूप नहीं आती, तो थोड़ा सा कपड़े सूखने का प्रॉब्लम होता है।
तो फिलहाल अभी बालकनी खाली हो गई थी, तो मैंने सोचा थोड़े से जो सुमित के ऑफिस के कपड़े हैं वो फटाफट मैं धुल के फैला देती हूँ, ताकि मेरा जो कपड़े धुलने वाला और ये सब पानी वाला काम है ना, ये सारे काम मैं आज निपटा दूँगी, क्योंकि अभी करवा लेके आऊँगी, फिर वहाँ से आऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि मेरी करवा चौथ की क्या क्या तैयारी है, मैं करवा चौथ में क्या पहनने वाली हूँ, और आज मैं एक हाथ में मेहंदी भी लगा लूँगी। वैसे मैं काम चलाऊ मेहंदी बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट हाँ काम चलाऊ मेहंदी में लगा लेती हूँ। तो अपने एक हाथ में मैं मेहंदी भी लगा लूँगी और दूसरे वाले हाथ में लगाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, फिर भी देखूँगी, ट्राई करूँगी, लगा लूँगी, या सामने भाभी रहती हैं तो उनसे लगवा लूँगी। तो फिलहाल इस हाथ में आज मैं मेहंदी भी लगाऊँगी, तो अभी सारे काम मैं ख़त्म कर लूँगी और कपड़े वगैरह धुलने का इतना काम मैं कल का नहीं रखूँगी, क्योंकि मेहंदी एक बार लग जाए ना पानी नहीं पड़ना चाहिए ना, खूब अच्छा कलर आना चाहिए। तो फिलहाल आज ही मैं सारे कपड़े वगैरह धुल के निपटा दूँगी, कल कपड़ों का काम नहीं रखूँगी, और एक दो जो कपड़े रहते हैं वो तो फटाफट धुल के ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो फिलहाल चलिए अभी चल के मैं अपने कपड़े धुलने का काम ख़त्म कर लेती हूँ, जब तक सुमित आते हैं तो फटाफट कपड़े धुल के उसके बाद फिर मैं मार्केट के लिए रेडी हो जाऊँगी। तो यहाँ पे बाथरूम में मैं आ गई हूँ, मॉर्निंग के कुछ कपड़े रखे हुए थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपना टाइम का यूज़ कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह धुल के फैला देती हूँ जब तक मार्केट नहीं जा रहे हैं। तो कपड़े यहाँ मेरे धुल गए हैं और कपड़े धुलने के बाद मैं भी मुँह हाथ धुल ले रही हूँ, ताकि कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। तो फिलहाल अभी मैं बालकनी में जा रही हूँ और जो कपड़े मैंने धुले हैं वो फैला दूँगी, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं, बारिश अभी थमी है, हवा बढ़िया चल रही है, तो कपड़े फैला देती हूँ ताकि रात तक सूख जाएं। तो फिलहाल सभी लोग सोचते होंगे कि मेरे ज़्यादातर व्लॉग में कपड़ों का भी रहता है, कि कपड़े भी बहुत मेरे निकलते हैं धुलने के लिए, दो लोगों में कितने कपड़े होते होंगे। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताऊँ, कपड़े और बर्तन ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं ना, जिनको जितना भी धुलो कम है, जिनको जितना भी धुल के साफ़ करके रखते जाओ ये उतना ही बढ़ते जाते हैं। एक बार आपने इनको धुल के रखा दोबारा पीछे से बर्तन धुलने के लिए तैयार हो जाते हैं और कपड़े भी धुलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इस समय बारिश का मौसम है, कई दिनों से बारिश हो रही है, तो अगर आप एक बार भी घर के बाहर चले जाइए ना तो कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं। और सुमित का तो ये रहता है ना कि थोड़े से भी काम के लिए अगर हम लोग सोसाइटी के बाहर निकल रहे हैं तो इनको स्कूटी से नहीं जाना रहता है, पैदल जाना रहता है, और पैदल जाने में कपड़े पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो बाहर से जाने आने के बाद जो है कपड़े धुलने ही पड़ते हैं, तो इसी वजह से कपड़े और निकलते हैं। और कुछ कपड़े सुमित के रेगुलर ऑफिस के रहते हैं जो कि मुझे धुलने ही रहते हैं, और रेगुलर रूटीन के जो कपड़े निकलते हैं वो तो निकलते ही हैं। यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने अच्छे से फैला दिए और कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं जाऊंगी अंदर, और तब तक सुमित भी आ जाते हैं। अभी बज गया है 4, तो सुमित ने आते ही बोला, फरमाइश रखी अपनी कि भाई मुझे चाय पीनी है। तो फिलहाल अभी ठंडा मौसम है, बारिश वगैरह का ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो फिलहाल मैंने सोचा चलो चाय बना लेते हैं, लगे हाथ मैं भी एक कप चाय पी लूँगी। वैसे तो हम चाय शाम को 5:30 या 6 बजे बनाते हैं, जो शाम वाली चाय होती है, फिलहाल आज मैं चाय जल्दी बना रही हूँ, 4 बजे बना रही हूँ, क्योंकि ठंडा मौसम है। तो सुमित ने बोला तो मेरा भी चाय पीने का मन करने लगा, तो फिलहाल अभी मैंने यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी और थोड़े बहुत अपने चाय बनते बनते अपने किचन के काम निपटा लूँगी। फिलहाल अभी खाने की तैयारी शाम की मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद मार्केट जाने का प्लान है कि चाय पी लेंगे उसके बाद मार्केट के लिए निकलेंगे। तो फिलहाल अभी हमारी यहाँ पे चाय बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, तो अभी मैं चाय लेकर जाऊंगी अंदर और सुकून से बैठ के बढ़िया चाय पीऊंगी, और चाय पीने के बाद फिर मार्केट निकलने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे हम लोग चाय पीने के बाद मार्केट निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी, तो बारिश का वेट करते करते मतलब काफ़ी टाइम हो गया, और बीच में फिर अश्विनी भाभी का भी कॉल आ गया कि अश्विनी भाभी की बेटी का बर्थडे है, तो उन्होंने हमें अपने घर पर इन्वाइट किया। तो फिर हम लोग रेडी होकर अश्विनी भाभी के घर आ गए अदवी के बर्थडे में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर देखो अदवी कितनी क्यूट लग रही है, बिल्कुल डॉल लग रही है, चुपचाप शांति से बिल्कुल शांत अच्छे बच्चों की तरह बैठी है, कोई कुछ बिल्कुल परेशान नहीं कर रही है। सब लोग इसको टीका कर रहे थे, आरती उतार रहे थे, चुपचाप आराम से बैठी थी। देखो भाभी भी बगल में नहीं है लेकिन फिर भी वो किसी को परेशान नहीं कर रही। तो यहाँ पे सभी लोगों ने मिलकर बिटिया को टीका किया, मैंने भी टीका किया, और यहाँ पे हो गई है उसकी केक काटने की तैयारी। तो यहाँ पे ये सभी लोगों ने मिलकर मतलब अरे केक वगैरह रखा और पास में बैठे अरेंजमेंट किए। तो फिलहाल अभी यहाँ पे केक कटने जा रहा है, और केक कटने में भी देखो अभी जो है अदवी दो साल की हो गई है, और अदवी को देखकर मुझे खुशी की याद आ गई कि खुशी भी अभी जो है 2-3 दिनों पहले खुशी भी 2 साल की हुई है, और खुशी का बर्थडे भी ठीक इसी तरह से सेलिब्रेट हुआ था, सभी लोगों ने मिलकर सेलिब्रेट किया था। तो फिलहाल वहाँ तो हम नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन यहाँ अदवी के बर्थडे में हम शामिल हो गए, और अदवी बिल्कुल खुशी के जैसी लग रही है, बहुत क्यूट लग रहे हो बेटा आप।
विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा खुश रहो। तो फिलहाल अभी यहाँ पे अदवी का बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया अच्छे से, बहुत सबके साथ इंजॉय किया, और शाम का डिनर भी भाभी ने बहुत टेस्टी डिनर कराया, हम लोगों ने खाना वगैरह भी खाया। और अदवी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो मार्केट कर लेते हैं। रात का 9 बज गया था यहाँ से निकलते निकलते, क्योंकि बारिश हल्की सी थमी थी, ऐसे तो बारिश 4 बजे से कंटिन्यू बहुत तेज़ हो रही थी, लेकिन फिर उसके बाद जो है बारिश थोड़ा सा कम हुई तो हम लोगों ने सोचा मार्केट कर लेते हैं, क्योंकि फिर सुमित जो है ऑफिस चले जाएंगे दूसरे दिन, तो अकेले दोपहर में मार्केट के लिए निकलना। मार्केट तो वैसे मैं अकेले जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट अकेले नहीं जाती, मार्केट जाती हूँ, लेकिन आजकल बारिश हो रही है ना, तो बारिश में बाहर जाना थोड़ा सा अजीब लगता है। तो फिलहाल यहाँ से निकलने के बाद हम सीधा आ गए करवा और पूजा का सामान खरीदने के लिए। तो ये देखिए मेरी छन्नी, मैंने इस बार जो छन्नी वगैरह सब सजी सजाई ले ली, और करवा तो यहाँ पे इसी तरह के मिलते हैं, इससे ज़्यादा सजे सजे धजे करवा नहीं मिलते, खुद से ही सजाने पड़ते हैं। तो फिलहाल मैंने ले लिया, और देखिए इस बार यहाँ पे झाड़ू की सीखे भी मिल गई, नहीं हर बार झाड़ू की सब कुछ तो मिल जाता है, झाड़ू की सीख नहीं मिलती है, तो इनका कुछ और ही जुगाड़ फिट करना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पे शायद मैंने मोबाइल उल्टा पकड़ लिया था, तो वीडियो मैंने थोड़ा सा उल्टा ले लिया है, तो प्लीज़ ये सीन थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे मुझे पूजा की सारी सामग्री मिल गई, बस हाँ चूड़ियाँ नहीं मिली मेरे साइज़ की, मुझे थोड़ा बड़ी चूड़ियाँ लगती, बड़े साइज़ की चूड़ियाँ लगती, तो चूड़ियाँ नहीं मिली, तो वो फिर मैं अगले दिन आके सुमित के साथ ले जाऊँगी। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग मार्केट से वापस आ चुके हैं। देखिए दोपहर से मैं मार्केट जाने की तैयारी में लगी थी, और सुमित भी टाइम से आ गए थे, लेकिन उसके बाद 4:30-5 बजे से इतनी कंटिन्यू बारिश हो रही थी कि अब बारिश में मार्केट निकल पाना तो बड़ा मुश्किल था। तो फिलहाल मैं बारिश के बंद होने का वेट कर रही थी कि बारिश बंद हो जाए तो फिर निकला जाए। तो 7:30 तक तो बारिश अच्छी खासी हो रही थी। और हाँ, आज अश्विनी भाभी और अमोल भैया की बेटी का अद्विका का बर्थडे था, तो फिलहाल हम लोगों को उसके बर्थडे में शामिल होने का भी मौका मिला। तो फिलहाल अद्विका, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा, आप खूब खुश रहो, जल्दी से खूब बड़ी हो जाओ और खूब तरक्की करो। तो फिलहाल अद्विका के बर्थडे में भी हमें बहुत अच्छा लगा, सबके साथ मिलके बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा सबके साथ मिलके एंजॉय करके। तो फिलहाल अभी मैं हम लोग मार्केट जाने के लिए ही रेडी थे, क्योंकि करवा चौथ का सारा सामान लेना था, और आज सुमित घर पे थे तो सोचा जाके मार्केट से आज ही सारा सामान ले आए, क्योंकि यहाँ पे सारा सामान मिल भी नहीं पाता है तो ढूंढना पड़ता है काफ़ी। तो फिलहाल मैं मार्केट जाने के लिए ही रेडी थी, बट बारिश ज़्यादा हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो जब तक बारिश हो रही है तो तब तक मैं टाइम जो है ना बर्बाद क्यों जाने दूँ, वेस्ट क्यों करूँ, इस टाइम का मैं पूरा यूज़ कर लेती हूँ। तो उस टाइम में रेडी होके मैं खाना बनाने लगी कि जब तक ये बारिश वगैरह का मैं वेट कर रही हूँ बंद होने का, तो मैं फटाफट खाना बना के रख देती हूँ। तो फिलहाल खाना बना ही रही थी तो फिर भाभी का कॉल आया, और भाभी ने हमें बेटी के बर्थडे के लिए इनवाइट किया। तो फिर हम सारा काम रोक के अदवी के बर्थडे में भाभी के घर गए, सबके साथ मिले जुले एंजॉय किया, बर्थडे मनाया अदवी का। उसके बाद फिर हम लोग जब वहाँ से निकले तो बारिश काफ़ी धीमी हो गई थी, धीरे धीरे हो रही थी, तो फिलहाल हम लोग बारिश में ही भीगते भीगते गए पूरा करवा चौथ का सामान लेने के लिए। फिलहाल सारा सामान लेके आ गई हूँ, हाँ कुछ एक दो चीज़ें नहीं मिली हैं, तो फिलहाल वो मैं कल जाऊँगी दोपहर में और कल लेके आ जाऊँगी। तो चलिए फिलहाल आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ मार्केट से। तो ये देखिए, ये हैं मेरे करवा, दो करवा, यहाँ पे महाराष्ट्र में इसी तरह के करवा मिलते हैं, ज़्यादा कड़े डिज़ाइनर कलर वाले नहीं मिलते, हमारे साइड यूपी में तो बढ़िया कलरफुल बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इसी तरह के मिलते हैं, मैं इनको फूल वगैरह से और अच्छे से सजा के और सुंदर बना दूँगी। ये है मेरी छन्नी, ये छन्नी है देखिए बढ़िया, तो ये छन्नी है, ये है मेरा पूजा का कैलेंडर, ये है मेरी जो करवा में सीके लगती हैं झाड़ू की सीख, पैरों में लगाने के लिए आलता, मेहंदी बिंदी, और ये प्रसाद, बाकी का और प्रसाद तो हमारे घर में ही बनता है तो हम घर में ही बना कर इसमें करवा में डालेंगे। तो फिलहाल इतना सामान मैं लेके आई हूँ, इसमें से कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिली हैं, जैसे चूड़ियाँ नहीं मिली हैं, और फूल वगैरह तो पूजा के दिन ही चाहिए होगा, तो वो सारा मैं जो है कल चूड़ियाँ मैं कल लेकर आऊँगी, और पूजा के फूल जो है तो वो करवा के दिन मैंने परसों ही दोपहर में सुमित से मंगा लूँगी। तो फिलहाल गाइस ये तो हुआ सामान जो मैं मार्केट से अभी लेके आई हूँ बारिश में भीगते हुए जल्दी जल्दी। तो फिलहाल अभी तो सारा काम मेरा ओके
के ही है, ऐसा कुछ काम नहीं है जो मुझे अभी ख़त्म करना है। तो फिलहाल खाना भी अभी नहीं बनाना है क्योंकि भैया के घर पे ही डिनर था, तो हम लोग भैया के घर से ही डिनर करके आए हैं। सुनी भाभी ने बढ़िया, बहुत बढ़िया पाव भाजी खिलाया, थैंक यू भाभी। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ, चेंज करूँगी। चेंज करने के बाद फिर मैं सोच रही हूँ अपने इस वाले हाथ में, लेफ्ट हैंड में मेहंदी लगा लेती हूँ। अपने एक हाथ से मैं इस वाले हाथ में मेहंदी लगा लूँगी और दूसरे हाथ में कल देखा जाएगा कैसे लगा पाती हूँ। देखूँगी, मैनेज करूँगी, अरेंज करूँगी, किसी और से लगवा लूँगी, देखती हूँ कौन लगाता है दूसरे हाथ में मेहंदी। तो फिलहाल इस वाले हाथ में मेरे मेहंदी लगाने का आज प्रोग्राम है, तो अभी जा रही हूँ मैं। सारा सामान समेट के रख दूँगी और किचन वगैरह में भी जो भी मैं सब्जी वगैरह छोड़ कर चली गई थी वो काट पीट के वो संभाल के रख दूंगी उठा के, बाकी अब उसका तो यूज कर ही होना है। तो फिलहाल उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी इस हाथ में मेहंदी। तो फिलहाल चलिए फटाफट सारा सामान समेटते हैं, उसके बाद मेहंदी लगाने की तैयारी करते हैं। गाइस, तो फिलहाल ये देखिए मैंने अपने इस वाले हाथ में मेहंदी लगा ली है, लेफ्ट हैंड में। फिलहाल मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी तो नहीं आती, हाँ बट काम चला वो लगा ली है। ऐसे तो मतलब इससे बेटर और अच्छी लगा लेती हूँ डिज़ाइन वगैरह देख के, बट आज बड़ी थकान हो रही थी, मुझे बहुत नींद आ रही है, पूरे दिन रेस्ट वगैरह नहीं किया तो बहुत नींद आ रही है, तो मैंने जल्दी जल्दी बस किसी तरह से लगा ली, अपना हाथ भर लिया। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। और ये तो थी मेरी जो मैंने मेहंदी लगाई और मार्केट से पूजा का सामान लेके आई, करवा चौथ की तैयारी। हाँ, ड्रेस अभी आपको नहीं दिखाई है क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं मिला एकदम से, फिर हमें जाना पड़ गया बर्थडे पार्टी में और मार्केट जाने का तो पहले ही प्लान था, तो फिलहाल इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। तो फिलहाल चलिए आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊँगी कि मैं करवा चौथ में क्या पहनने वाली हूँ, साड़ी, लहंगा या कौन सी ड्रेस। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे, जय माता दी।